और जैसे ही हनुमान जी पैदा हुए, देवता लोग, साधु लोग, संत लोग खुश हुए और राक्षसों के मन में पीड़ा हुई। और पीड़ा कितनी हुई, कपिके डर गढ़ लंक सकानी और छूटे बंध देवतन जानी। रावण ने क्या किया था, सभी देवताओं को हाथ अरेस्ट करके पकड़ करके अपने यहाँ जेल में डाल दिया था और छोड़ नहीं रहा था। और जैसे ही हनुमान जी पैदा हुए तो देवता लोग सोचे कि अब तो हनुमान जी हमको छुड़ाने आएंगे, और लंका के लोग एकदम से डर गए, लंका के लोग एकदम डर गए और पूरी लंका कांपने लगी। और सब लोग आ गए हनुमान जी का दर्शन करने, चलो अंजनी लाल का जन्म हुआ है चल के देखते हैं। तो ऋषि समूह निकट चली आए, पवन तनय के पद सिर नाए, और बार बार उनकी प्रार्थना करने लगे। तो लगे सोचने इनका नाम क्या रखा जाए, तो नाम रखा हनुमान। हनुमान इसलिए रखा कि हनु कहते इसको। और हनुमान जी जब पैदा हुए उस दिन क्या था, उसके अगले दिन सुबह अमावस्या तिथि थी, और हर समय जब सूर्य ग्रहण लगता है तो अमावस्या तिथि रहती है। पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगता है और अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है। तो अमावस्या से एक दिन पहले हनुमान जी पैदा हुए। भाई कहानी तो यही ना कि हनुमान जी जब पैदा हुए तो उसके एक माँ से पूछते हैं कि माँ मैं क्या खाऊंगा, तो माता जी ने कहा जो लाल मिले खा लेना। तो हनुमान जी जब सुबह हुई तो देखा लाल लाल सूरज भगवान निकले हैं, कहा बस मेरी माँ ने कहा जो लाल है खा लेना, गए और सूरज को खा लिए। तो इससे सिद्ध होता है कि हनुमान जी का जन्म अमावस्या से एक दिन पहले, मतलब दिवाली से एक दिन पहले हुआ। अब कुछ लोग मनाते हैं पूर्णिमा को, मनाएं, मैं भी मना लेता हूँ। अगर कुछ लोग पूर्णिमा को मनाते हैं तो मनाएं, लेकिन हनुमान जी का जन्म इस बात से सिद्ध हो गया कि पूर्णिमा को नहीं अमावस्या को हुआ था, क्योंकि हनुमान जी का जन्मदिन के बाद सूर्य ग्रहण था। और जैसे ही हनुमान जी ने देखा लाल फल तो जाके सूर्य को खा लिया। राहु चिल्लाने लगा कि सूर्य को तो मैं खाता हूँ, ये कौन आ गया। तो भागा 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 इंद्र के पास गया। इंद्र ने अपना वज्र चला दिया, और वज्र चलाने से क्या हुआ, इंद्र का वज्र ही टूट गया। और इंद्र ने हनुमान जी के मुंह पर मारा, इस पर मारा, इसको कहा जाता है हनु, जिसके हनु से वज्र टूट जाए, जिसने वज्र का घमंड तोड़ दिया, ऐसे हनुमान जी, इसलिए उनका नाम पड़ा हनुमान, जिसने वज्र का अहंकार तोड़ दिया। वज्र सबसे मजबूत हथियार माना जाता है दुनिया का, और हनुमान जी के हनु से लग करके वज्र भी टूट गया, इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ा। तो हनुमान जी का जन्मदिन दिवाली से एक दिन पहले हुआ, पंचांग में भी है, सब मनाते भी हैं। तो हम लोग भी हनुमान जी का जन्मदिन दिवाली से एक दिन पहले मनाएंगे। आज हम कथा सुन रहे हैं, लेकिन उस दिन हम दिवाली से एक दिन पहले हनुमान जी का जन्मदिन मनाएंगे। और हम लोग कई साल से मनाते आ रहे हैं। और कुछ हैं, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, न लगे, लेकिन शास्त्र में जो लिखा है तो मैं तो उसी पर चलूंगा। तो शास्त्र में लिखा है कि हनुमान जी का जन्मदिन दिवाली से एक दिन पहले हुआ, तो आने वाली दिवाली से एक दिन पहले हम लोग हनुमान जी का जन्मदिन मनाएंगे और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो उस दिन आइए सब लोग, और उस दिन हम लोग हनुमान जी का मिल करके साथ में पाठ करें। कहेंगे मैं तो घर पर कर लूंगा पाठ। देखिए सामूहिक पाठ में ज्यादा शक्ति होती है, इसलिए पाठ सामूहिक करना चाहिए, कीर्तन सामूहिक करना चाहिए। सामूहिक करने से और ज्यादा शक्ति हमको आपको मिलती है। तो हम सब मिल करके दिवाली से एक दिन पहले
हनुमान जी का जन्मदिन मनाएंगे और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो उस दिन भी सबको निमंत्रण है, आप सब आइए।